आजकल युवा सोचते हैं कि गांव में बिजनेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे गांव में ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो छोटे तौर पे बिजनेस को स्टार्ट करके आज उनका लाखों का बिजनेस खड़ा हो गया है। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे बिजनेस आइडिया को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो आपको लाखों रुपए गांव में कमा के दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे और अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। जब आप शहर में कमाने जाते हो तो 15,000 से 20,000 रुपए आपको मंथली दिया जाता है, उसमें से आपका 4 से 5,000 मैक्सिमम 6,000 तक आपका वहाँ पे खर्चा हो जाता है, और जो भी आपका पैसा बचता है वह भी अलग अलग प्रकार से खर्च हो जाते हैं, आपका अच्छे से पैसा नहीं बच पाता है। वहीं पर अगर आप गांव में वही काम को करोगे, आप थोड़ा सा कम पैसे कमाओगे, लेकिन जो सारा पैसा आपका होगा, आपका सारा पैसा आपके पास बच जाता है, घर की सारी चीजें होती है, आपको बाहरी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना, जिससे हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों नंबर 1, फूलों की खेती। यह गांव शहर हर जगह पर चलने वाला बिजनेस है। आपको भी पता है कि फूलों की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ती जा रही है। त्योहार कुछ भी, कोई भी सीजन हो, विवाह, अलग अलग प्रकार के जो त्योहार आते हैं, वहाँ पे पूजा की सामग्रियों में हमेशा फूलों की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर फूल की खेती करते हो तो काफी आपको अच्छा मुनाफा देखने को इस बिजनेस में मिल सकता है और अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, सैलून। दोस्तों महिला के साथ साथ आजकल पुरुष भी काफी फैशन करने लगे हैं। उनको भी अपने बालों को सेट कराना, अपने फेशियल को कराना, बहुत सारी चीजें उनको इंटरेस्टिंग चीजें लगने लगी हैं। वो भी अपने बालों को लेकर, अपने चेहरों को लेकर काफी चिंतित होने लगे हैं। लोग अब सैलून की तरफ उनका रुझान ज्यादा हो रहा है। आपको भी पता होगा आज के समय में, आप भी अपने आसपास देखते होंगे यह बिजनेस कितने अच्छे से और जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। तो इस बिजनेस को आप जल्द से जल्द स्टार्ट करो। इसके लिए आपको बाल कटिंग आनी चाहिए। अगर आपको बाल कटिंग नहीं आती है तो किसी को हायर भी कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर। आपको ये पता है सजने संवरने का महिलाओं को कितना शौक होता है। अगर बात करें शहर में तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, जिससे महिलाएं वहाँ पे सज संवर लेती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गाँव में ब्यूटी पार्लर बहुत कम है, जिससे महिलाओं को कभी शादी विवाह में कहीं जाना होता है तो काफी प्रॉब्लम होती है उनको मेकअप वगैरह करने में। तो आपके लिए यह बहुत अच्छा चांस है, आप यहाँ पे गाँव में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा मुनाफा होता है दोस्तों। अगर आपके पास भाई, आपकी बहन, वाइफ कोई भी है, आप उसे स्टार्ट करवाना चाहते हो, उन्हें स्टार्ट करवा सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, हार्डवेयर शॉप। आपको पता है इस समय हार्डवेयर का बिजनेस कितनी डिमांड है इसकी। गांव में हार्डवेयर की दुकान आप खोल सकते हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। प्लम्बर, पाइप डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, ई रिक्शा। दोस्तों आप अपने आस पास देखते होंगे ई रिक्शा चलती होगी। मैं ऐसे ही मार्केट से एक बार आ रहा था तो मैंने ई रिक्शा चालक से पूछ लिया कि भाई साहब आप कितना कमा लेते हो महीने। तो उन्होंने क्या बताया, दिन का 800 से 900 रुपए मैं कमा लेता हूँ। आप मुझसे ज्यादा कैलकुलेशन आपको पता होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो महीने का कितना हो गया, तो काफी अच्छा अमाउंट है। आप भी ई रिक्शा को चला के अच्छा पैसा कमा सकते हो। अपने काम को करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने काम को करो और कभी भी शर्म ना करो, क्योंकि कोई और तुम आपका पेट नहीं भर देगा, बस आपका काम, आपकी मेहनत, आपका वर्क आपका ही पेट भर सकता। मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर आप मेडिकल लाइन में हो। अब मेडिकल लाइन में नहीं हो तभी आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रोसेस होता होगा उसका। 2023 में यह बिजनेस काफी अच्छा है। यह इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें 24 आवर आपको सुविधा मिलती है, आप कभी भी दुकान को खोल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको पता है कि लोग कपड़े की दुकान पे मोल भाव कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे दवाई की बात आती है लोग इसमें मोल भाव एकदम नहीं करते हैं, जो है एकदम एक्यूरेट रेट आपको पैसे मिलते हैं। सीजनल बिजनेस, इसे आप विशेष तो टाइम पे करते हो। जैसे अगर बात करें जूस का बिजनेस, तो जूस का बिजनेस गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि लोग गर्मियों के मौसम में जूस को पीना काफी पसंद करते हैं, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यह भी मौसमी बिजनेस है। और अगर रंगों की बात करें तो आपको पता है होली में रंग बिकते हैं, तो रंगों का बिजनेस कर सकते हो। राखी, आपको पता है भाई बहनों का त्योहार है, तो राखी का बिजनेस हो सकता है। सीजनल जो भी होता है, दिवाली हो गया, दिवाली में पटाखों का बिजनेस आप कर सकते हो। बहुत सारे ये सब बिजनेस आते हैं सीजनल बिजनेस में, आप इन सारे का बिजनेस को भी कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, आप अपने प्रोफेशन में ना लाओ तो इसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस में आपको
आपको फ्यूचर में देता रहूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना होगा। आप जब वीडियो देख रहे हो नीचे की साइड आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, खाली इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आपका बेल नोटिफिकेशन आएगा, एक घंटी सी आइकन आएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना है, जिससे हमारी जो वीडियो है, जिससे मैं अपलोड करूंगा वीडियो, आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी दोस्तों, जिससे हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।